एजुकेशन होता रहेगा. यू नो दिस एजुकेशन इज अ वेरी एलिटिस्ट वे ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम्स. व्हाट दे नीड इज एक छत और एक और थोड़े से पैसे की अपना अपनी पान की दुकान चला. और माय टॉक इज ओवर. सो एनी क्वेश्चन? Banks have a lot of money to lend, they don't want to lend. No, we get it. I get at least 2 points a week. Do you not loan for your car? Correct. Your house? Correct. So the only lending that banks are willing to do now is the easiest lending. The easiest lending is a car loan and a student loan. These are very easy things to lend because it's a full collateral. Aapki car unke paas hai, unke kabze mein hai. So that is the easiest thing. थोड़ा सा रिस्की लोन एंड आई एम नॉट विलिंग टू लेंड. आप बोलिए नहीं ये पैसे मुझे मेरे बिजनेस में लगाने को दीजिए, वो फ्लोर इट इज अवेल. सो बैंक्स हैव बिकम वेरी नॉन रिस्क टेकिंग बैंक्स. कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ बोथ आर कॉन्फ्लिक्टिंग. नो दैट इज एन एसेंशियल कॉन्फ्लिक्ट. और इस वजह से यू नो एक बात जो आपने देखी होगी पिछले चार पांच साल में एग्जैक्टली इसकी एक कांस्टेंट लड़ाई रहती है फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक. हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट यानी दुनिया का वन ऑफ द टॉप 5 इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन को हमने यानी जलील करके भेजा. मुझसे कई लोग बाहर ये पूछते हैं कि भाई ठीक है यू डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू बट व्हाई डू यू शेम हिम टू इट, व्हाई डू यू ट्रीट हिम लाइक दैट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड. उर्जित पटेल राइट, दो बड़े इकोनॉमिस्ट चले. क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री दो ऐसे इदारे हैं जिनमें एक तजाद बिल्ट इन है. क्या है वो? फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती है ग्रोथ हो इकोनॉमी, इज इट? फाइनेंस मिनिस्टर का केआर इज ग्रोथ, रिजर्व बैंक गवर्नर का केआर इज इन्फ्लेशन कंट्रोल. सो ही विल नेसेसरीली से कि इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखूंगा. फाइनेंस मिनिस्टर बोलेगा नहीं मुझे ग्रोथ चाहिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए. वो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है. दैट इज व्हाई एवरीवेयर इन द वर्ल्ड these two are independent things. You can never imagine US Fed को Trump या Trump का बाप भी कह दे कि ये तो it has to be autonomous. That is why one of the greatest threats that